नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं बिग बुलेटिन की खबरों के साथ। खबरों में बात करते हैं उत्तराखंड के सितारगंज की, जहां पर सितारगंज में लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण महामारी के चलते सरकार के आदेश पर निजी सरकारी व गैर सरकारी खनन पट्टे चलाने के निर्देश दिए हुए हैं, जिसके बाद खालसा डंपर एसोसिएशन के उप जिला अधिकारी और कोतवाल को ज्ञापन देकर खनन को पूर्ण रूप से बंद करने की मांग की है। हमारे यहाँ खनन चालू करवाने के आदेश दिए गए थे, जिसमें कोरोना को देखते हुए, क्योंकि पर गाड़ी के हिसाब से 15 से 20 मजदूर लगते हैं, तो हम लोग कोई भी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमारे प्रदेश में फिर भी शांति है दूसरे देशों को देख के। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ कोरोना का मरीज कोई भी आए, और वो एक मछली कहते पूरे तालाब को गंदी करती, ऐसा ना हो कि एक मजदूर आए तो वो सभी को गंदा करके यहाँ चला जाए, हमारे प्रदेश का बुरा हाल हो जाए। हम लोग इसलिए कोरोना को देखते हुए यहाँ खनन चालू ना कराने के लिए माननीय SDM साहब को, माननीय कोतवाल साहब को ज्ञापन दिया गया, कप्तान साहब के लिए, कि यहाँ खनन चालू ना करवाया जाए, लेबर से ना चले तो माननीय मशीनों से करवाया जाए, जिससे कि कोरोना वायरस से हम लोग बच सकें।